हेलो हाय दोस्तों, मैं अपने चैनल गुड आइडिया गुड वर्क सुनीता देवी चैनल कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। देखो दोस्तों, मैं लंच में रसेदार सब्जी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, ये तड़के में मैंने इसको हम लोग फोरन बोलते हैं, मैंने फोरन में पचफोरन डाला है। पचफोरन में जीरा, मेथी, सरसों, सौंफ, अजवाइन, मंगरेला, ये सबको मिक्स करके इसे पचफोरन बोलते हैं। पचफोरन का तड़का लगाया है और अब इसमें आलू ऐड करते हैं। थोड़ी रस्सी वाली सब्जी बनानी है इसलिए तेल थोड़ी ज़्यादा ही मैंने ऐड किया है। रस्ते वाली सब्जी में और क्या क्या डालेंगे, ये है दोस्तों ये नया बैगन, अभी तुरंत नया वाली बैगन बोलते हैं, नया बैगन निकला है। और ये है पालक साग। अब इसको रस्ते वाली सब्जी कैसे कैसे बनाती है मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके बताना। और इसके लिए मसाले में क्या क्या करेंगे आप लोग भी कमेंट करके बताना, आप लोग भी कैसे बनाते हैं। आलू की कलर थोड़ी चेंज हो गई है दोस्तों, अब मैं इसमें वो कर देती हूँ क्योंकि मसाला मुझे ऐड करने में लहसुन मैंने ऐड किया और हल्दी ऐड करती हूँ। और 2 मिनट इससे पहले मैं लहसुन को थोड़ा भून लेती हूँ 2 मिनट, उसके बाद बाकी मसाले ऐड करती हूँ। दोस्तों आप सब मेरे रेसिपी के बारे में जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि मैं कैसी रेसिपी बनाती हूँ, कम से कम इतना तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगती है और मैं कैसे बनाती हूँ, ये आप जरूर कमेंट करके बताना। एक थोड़ी तो भून गई है और इसमें मैं सूखी लाल मिर्च ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे रस्से वाली बनानी है तो इसलिए मसाले थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे।
इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर कभी भी मैं नहीं डालती हूँ, आप लोग अगर डालते हैं तो डाल सकते हो, मुझको कोई बात नहीं है, और मुझे भी बताना कि हाँ आप लोग क्या क्या मसाले यूज करते हो, कैसे बनाते हो, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने होली पे क्या क्या बनाया, आप लोग क्या क्या बनाते हो, वो भी मुझे जरूर बताना। मैं इसमें दो टमाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे रस्ते वाली बनाई है। मैंने ये सारे बीज निकाल लिया है दोस्तों। अब इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूंगी ताकि टमाटर अच्छे पूरी डालती हूँ। फिर मैं मसाले भूनने के बाद डालूंगी। मैंने टमाटर का सारे बीज निकाल लिया। टमाटर का बीज इसलिए निकालती हूँ क्योंकि जिनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा नुकसान करती है, इसलिए मसाले थोड़े अच्छे से भून जाए। इसके अंदर फिर मैं बैंगन को ऐड कर देती हूँ। बैंगन डालने के बाद तुरंत इसको मैं नहीं चलाऊंगी। हम लोग बैंगन को पीछे का इस तरह से डालते हैं, बहुत खाने में मज़ा आता है दोस्तों। अब देखो मैंने सारे बैंगन इसमें ऐड कर दिया। अब फ्लेम को थोड़ा कम कर देती हूँ और अब इसे बैंगन को भी साथ साथ भूनूंगी क्योंकि नया बैंगन है दोस्तों। अगर पहले डाल दूंगी तो सारे बैंगन बिल्कुल ग्रेवी बन जाएंगे। इसे मैं थोड़ा ढक देती हूँ ताकि गैस का फ्लेम बढ़ाऊंगी तो बैगन जले नहीं। इस सब्जी खाने में बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। आप इस तरह से आप एक बार इस सब्जी को जरूर बनाएंगे रवि वाले। देखो ढककर भुनने से बैगन तुरंत नरम हो गई।
रस्ते वाली सब्जी बनानी है दोस्तों, तो थोड़ी दो चार आप लोग कितना पसंद तीखा करते हो उसके हिसाब से इसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। इसका टेस्ट, हरी मिर्च डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाती है। बैंगन को बहुत ज़्यादा हमें एकदम घोल की तरह नहीं पकानी है, इसलिए मैंने बैंगन को बड़े बड़े पीस में काटा है। थोड़ी देर में तो और मसाले भूनेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं पालक जो मैंने कट करके रखा है सारे पालक को मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके अंदर अभी मैं पानी नहीं डालूंगा। जब ये पालक पक जाएंगे, गल जाएंगे ये थोड़े, तो मुझे जितनी ज़रूरत होगी उतनी पानी डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने से फिर सब्जी, क्योंकि पालक की ही सब्जी। अब मैं इसे गैस को कम कर देती हूँ और जब पानी ऐड करूँगी तो उसके साथ मैंने पहले थोड़ा ही नमक डाला है, तो जितनी टेस्ट के अनुसार नमक को इसमें ऐड करना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको सर्व करूँगी। ओके, आप सब मेरे चैनल कुकिंग गुड आइडिया गुड वर्क सुनीता देवी चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट जरूर करें दोस्तों। आप सब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके बाय।